हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 2022 का पहला दिन, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सुबह के 8 बजे हैं, 8:30 बजे हैं। सुबह 8 बजे मैंने नए साल के नए दिन के जोश में नहा लिया है। ठंड बहुत थी लेकिन बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ और दोबारा कंबल में आ गया हूँ। अब यहीं पर कंबल में नाश्ता होगा और नए साल की पार्टी कल शाम को कुछ भी नहीं मनाई क्योंकि तबीयत मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा रेस्ट करना ठीक है। मैंने कहा पलट के फिर से फीवर ना आ जाए। और आज बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि बहुत जगह जाना है, नए साल की वजह से और भी काम है। तो सुबह रेडी हो गए और आज सारे काम निपटाएंगे, एंजॉय करेंगे, लोगों से मिलेंगे। तो बस नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं बाहर। और ये हमारे कबीर भैया कार्टून देखने में लगे हैं और इनको अभी नहलाया नहीं गया है। सुबह के 10 बज गए हैं और इनको 12 बजे दोपहर में नहलाया जाएगा। कब्बू हैप्पी न्यू ईयर बोलिए सबसे। आज एक दादी के यहाँ जाना है, वहाँ प्रसाद है, भंडारा प्रसाद, चलेगा? मम्मा नहीं जाएंगी बेटा, मेरा की तबीयत खराब है ना, इसलिए नहीं जाएंगी मम्मा। आप चलोगे पापा के साथ? हाँ दादी के साथ चले जाना, ठीक है। और मेरे हमारे कहाँ रुको रुको दिखा दिखा, चले स्वेटर पहनना न्यू न्यू भैया। छोटा निकल गया, ये हमारा भैया सुबह तैयार हो गया। अच्छा मामाज अर्थ। हाँ भैया ये देखिए, ये हमारे मिरे और मिरे की मम्मा दोनों के फेवरेट ब्रांड है, ये सारे प्रोडक्ट इन्हीं के यूज होते हैं मामा अर्थ के। तो भैया ये मिरे के भी यूज हुए और कबीर के भी यूज हुए थे। चलिए बेटा आप घर ही में रहिए क्योंकि आज बाहर सर्दी बहुत है और मेरे बच्चे को कंजेशन है। और नए साल के मौके पर फूल की दुकान सजी हुई है। दोपहर के 12 बज गए हैं और हम आए हैं यहाँ पर, एक हमारे मित्र हैं और उनका तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने धर्म काटा लगवाया तो उसका उद्घाटन है। और गाड़ी में इसलिए बैठे हैं कि गाड़ी बहुत ही गर्म और बहुत ही प्लेजेंट लग रही है यहाँ पर बैठना, और बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है तो लग रहा है कि जब प्रोग्राम शुरू होगा तभी वहाँ चलेंगे। धीरू छोटू एंड हमारे वयोवृद्ध दिवेश भैया, जय हो चाचा जी। ये हमारे कस्बे में कोई भी काम होता है तो बाबा के श्री चरणों को याद करके होता है और वही तैयारी यहाँ पर भी है। रोटीराम बाबा की फोटो और लक्ष्मी गणेश जी की, ये हमारे ताऊ जी मधु महाराज जी, इन्हीं के नाम पर ये धर्म काटा है। बहुत सारी यात्राएं साथ में की हैं ताऊ जी के, और बस जैसे ही रिबन कटेगा तो यहाँ पूजा होगी। और हमारे सोनू भैया इंतजाम कराते हुए, मैं कह सकता हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आज के दिन का पहला प्रोग्राम निपट गया है और अब चलते हैं इटरा वाले हनुमान जी के दर्शन करने। नया साल है, प्रभु जी से आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर ही है। दिवेश भैया फोटो सेशन कराते हुए और धीरू चश्मा मंगाइना, दिवेश भैया का चश्मा लगाए हुए हैं। अब यहाँ से चलते हैं एक दूसरे हनुमान जी, और वहाँ पर आज भंडारा है नए साल के मौके पर, तो वहाँ लंच प्रसादम होगा, भंडारा प्रसाद। जय हो इटरा वाले बाबा, फिर बुलाना फिर आएंगे। की जय। और यहाँ हमारा कब्बू भी आ गया है अपनी बुआ के साथ और दादी के साथ। जाइए। हाँ धीरू चाचू भी आए हैं, चलो दर्शन करिए, चलिए आइए दर्शन करा दे, आइए आइए दर्शन करा दे, एक मिनट आ रहा हूँ।
जय करिए। अरे वाह नहीं जाना, लेकिन डॉगी है वहां पर बेटा। यहाँ बैठे हैं विकास, यहाँ बैठा हूँ मैं, और यहाँ बैठे हैं छोटू, धीरू और देवेश भैया। और इनका प्रसाद शुरू हो गया है, हमारा भी शुरू होने वाला है। आओ तुम भैया, भैया आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ ना। चलिए प्रसाद शुरू करते हैं, मिलते हैं प्रसादम के बाद। और कबीर के साथ हम आ गए हैं स्टेशन में घूमने के लिए। कबीर बोले कि कई दिन से पापा आप मुझे स्टेशन ले चलो, तो आज घूमने निकले थे तो स्टेशन ले आए हैं। और हम और कबीर सिर्फ दो लोग हैं, और कबीर देख रहे हैं कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, लेकिन नहीं आ रही है। ये है रेलवे ट्रैक, और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा स्टेशन। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं बिस्तर में, टाइम हो गया सोने का। कबीर जी हमारे सो भी गए हैं, मेरे जी सोने वाले हैं, और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। जैसा आज का दिन रहा ऐसा ही पूरा साल रहे सभी का, मेरा भी, आप सबका। इसी कामना और प्रार्थना के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय करिए, बाय 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 से बाय मेरा गुड।